This is Kumar Deepakaran, and today we are going to read Once Upon a Time, written by Toni Morrison. Toni Morrison के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं. Toni Morrison was the 8th woman and the first black woman to receive the Nobel Prize in Literature. Toni Morrison 8वीं औरत और पहली काली औरत थी जिसको Nobel Prize मिला Literature के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में. She also won the Pulitzer Prize for action, for fiction. वह मतलब कि फिक्शन के लिए यानी कहानियों के लिए Pulitzer Prize को भी मतलब कि प्राप्त की थी. Her seventh and most recent novel Paradise was published early in 1998. उसकी सातवीं और सबसे नई जो यानी कि हाल ही की जो नोवेल थी पैराडाइज, उसको 1998 के शुरू में प्रकाशित की गई. Her speech Once Upon a Time wonderfully exhibits how the proper usage of language could bring about changes and big revolution in the world and more so the immediate surrounding. उसकी स्पीच वंस अपॉन अ टाइम, ये जो मतलब हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, वंडरफुली एग्जिबिट्स यानी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है हाउ द प्रॉपर यूसेज ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा की जो उचित प्रयोग है वह कैसे कुड ब्रिंग अबाउट चेंजेज, जो कि मतलब कि चेंजेज करती है, ठीक है, चेंजेज लाती है एंड बिग रिवोल्यूशन भी लाती है, ठीक है, यानी क्रांति लाती है इन द वर्ल्ड दुनिया में एंड मोर सो द इमीडिएट सराउंडिंग और मतलब कि तत्कालिक दुनिया में और आसपास के मतलब कि क्षेत्रों में उस समय में. दिस स्पीच मेक्स द पॉइंट दैट लैंग्वेज शुड बी लिविंग एंड वाइब्रेंट यानी कि यह जो उनकी मतलब कि स्पीच यह स्पीच जो है, ठीक है, वह मतलब कि यह बताती है, उससे यह स्पष्ट होता है कि लैंग्वेज को जीवित होनी चाहिए और जोशपूर्ण होनी चाहिए, जिंदा दिल होनी चाहिए. नरेटिव्स हैव ओनली नॉट ओनली बीन एंटरटेनिंग बट ऑल्सो वन ऑफ प्रिंसिपल वेज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉलेज. कहानियों को केवल एंटरटेनिंग नहीं होनी चाहिए यानी कहानियों से केवल मतलब कि हमें एंटरटेनिंग ही नहीं मिलता यानी कि मनोरंजन ही हमारी नहीं होती, बल्कि यह मतलब कि ज्ञान को ग्रहण करने का मतलब कि प्रधान तरीका में से एक भी है. इससे हमें बहुत सारे नॉलेज मिलते हैं, हमें ज्ञान मिलता है, कहानियों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. देयर आर एनेक्डोट्स विच ब्रिंग आउट द थीम थ्रू द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेज. बहुत सारी मतलब कहानियां हैं, ठीक है, जो क्या करती है कि एक्सप्रेशन और लैंग्वेज को मतलब कि वो बहुत ही सिंपल तरीके में वो हमें सिंपल तरीके से मतलब उसको समझा देती है, ठीक है, विषयों को मतलब जो भी हमें समझना होता है, कुछ जो भी सब्जेक्ट होता है उसको अगर हम लोग कहानी के रूप में उसको हम लोग बताएं, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है. आगे लिखा हुआ है द गिवन स्पीच इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस. और जो अभी स्पीच जो है, ठीक है, ये वाला जो दिया गया स्पीच है, प्रस्तुत स्पीच जो है, वह सबसे अच्छा एग्जाम्पल यानी कि एक अच्छा एग्जाम्पल है इसका, यानी कहानी से कुछ सीखने का और मतलब कि कहानी से किसी सब्जेक्ट को किसी विषय के बारे में बताने के लिए. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमन यानी एक बार की बात है, एक बुढ़ी औरत थी, ब्लाइंड बट वाइज अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी, और एन ओल्ड मैन या फिर कोई एक बुढ़ा आदमी था. कहने का मतलब यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्लियर है ये नहीं है कि मतलब कि ये कहानी जो है वंस अपॉन अ टाइम, इस ये बहुत सारे मतलब कि संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से मतलब इसको बताई गई है, ठीक है. आगे चल के लाइन में ये मिलेगा, अ गुरु परहैप्स सूदिंग रेफलेस चिल्ड्रन यानी कि एक गुरु शायद वह मतलब कि रेफलेस बच्चों को मतलब कि शुद्ध करने वाला हो यानी कि शांत करने वाला हो बेचैन बच्चों को. आई हैव हर्ड दिस स्टोरी और वन एग्जैक्टली लाइक, मैंने इस कहानी को सुना हुआ है या फिर इसी के जैसा एक दूसरा कहानी, ठीक है. इन द लॉर ऑफ सेवरल कल्चर्स यानी अनेकों कल्चर्स की मतलब की कहानियों में यानी अनेकों कल्चर्स में यानी अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग मतलब की बातें आती थी. कोई कहता है कि एक बूढ़ी औरत थी, बूढ़ी औरत की कहानी है, कोई कहता है कि एक बूढ़े आदमी की कहानी है, कोई कहता है कि एक गुरु की कहानी है, ठीक है. लेकिन वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड एंड वाइज यानी एक बार की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, ब्लाइंड यानी अंधी थी लेकिन क्या थी, बुद्धिमान थी.
इन दिस वर्जन आई नो, यानी कि इस संस्करण में, ठीक है, मैं जानता हूँ, यानी कि जो अभी ये कहानी कहने, मतलब स्पीच जो बता रहे हैं, ठीक है, बता रही है टोनी मॉरिसन जो है, ठीक है, वो मैं आई नो, मैं जानती हूँ, द वुमन इज द डॉटर ऑफ स्लेव्स, यानी कि जो वुमन है, यानी कि जो औरत है, ठीक है, वह दासों की क्या बेटी थी, ठीक है, ब्लैक अमेरिकन, यानी कि वो भी अमेरिकन और काले, मतलब कि दास की, यानी कि जो औरत है, ठीक है, वो एक काले अमेरिकन दास की बेटी थी, ठीक है, बेटी होती है वो, लिव्स अलोन इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, जो कि शहर के बाहर छोटे से घर में अकेले रहती है, हर रेपुटेशन फॉर विजडम इज विदाउट पियर एंड विदाउट क्वेश्चन, उसकी जो मतलब ख्याति थी, उसकी जो रेपुटेशन थी, ठीक है, यस कह सकते इसको आप, यानी कि दूर दूर तक फैला हुआ था, ठीक है, और बिना क्वेश्चन का, यानी कि बिना शक का, ठीक है, उसकी रेपुटेशन थी, किसके लिए, तो बुद्धिमानी के लिए, यानी कि उसके जैसा कोई बुद्धिमान उस समय था ही नहीं, यानी कि सबसे अधिक बुद्धिमान समझी जाती थी वो, एमोंग हर पीपल शी इज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन, यानी कि अपने लोगों के बीच, कहने का मतलब ये है कि वो तो मतलब कि दास थी, ठीक है, और काली मतलब था जनजाति, मतलब थी जनजाति के, मतलब घर जनजाति कबीलों से बिलोंग करती थी, तो वो अपने कबीलों कबीले में, ठीक है, वह दोनों थी, लॉ भी थी और इसकी ट्रांसग्रेशन भी, कहने का मतलब कि वह कानून को बनाती भी थी और कानून को तोड़ती भी थी, दोनों उसके पास अधिकार था, ट्रांसग्रेशन मतलब कि कानून का उल्लंघन करना, द ऑनर ही शी इज पेड द ऑव इन विच शी इज हेल्ड रिच बियॉन्ड हर नेबरहुड टू प्लेसेज फार अवे, यानी कि इज्जत जो उसे मिलता था, ठीक है, और उसकी जो जगह था यहाँ पे अपने पड़ोसियों में, ठीक है, नेबरहुड में, वो बिल्कुल ही मतलब कि औरों से अलग था, ठीक है, अपने पड़ोसियों से बिल्कुल ही परे था, टू प्लेसेज फार अवे, और दूर दूर तक मतलब कि उसकी मतलब क्या जान पहचान, मतलब वो उसको लोग जानते थे, टू द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रॉफिट इज सोर्स ऑफ मच एमेजमेंट, यानी कि दूर शहरों में भी जहाँ पे मतलब कि रूरल जो प्रॉफिट की जो मतलब इंटेलिजेंस है उसको मतलब कि अम्यूजमेंट का मतलब कि मतलब सोर्स समझा जाता था, ठीक है, वन डे द वुमन इज विजिटेड बाय सम यंग पीपल हु सीम बेंट ऑन डिसअप्रूविंग हर क्लैरोवेंस एंड शोइंग हर अप फॉर द फ्रॉड दे बिलीव शी इज, एक दिन औरत के पास कुछ मतलब कि यंग लोग आते हैं, ठीक है, जो उनको मतलब कि जिस औरत को, ठीक है, उसकी जो क्लैरोवेंस मतलब होता है अंतर्दृष्टि, यानी कि भविष्य देखने की उसके पास शक्ति थी, तो उसके क्लैरोवेंस को डिसअप्रूव करने के लिए, ठीक है, यानी गलत साबित करने के लिए वो आए हुए हैं, ठीक है, शोइंग हर अप फॉर द फ्रॉड, ठीक है, दे बिलीव सी इज, और ये बताने के लिए, ठीक है, मतलब उसको साबित करने के लिए कि वो क्या है, फ्रॉड है, यानी जो कुछ भी बताती है वो सब गलत है, ठीक है, वो धोखेबाज है, देयर प्लान इज सिंपल, उनका प्लान बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सीधा है, ठीक है, दे एंटर द हाउस एंड आस्क वन क्वेश्चन द आंसर टू विच राइट्स सोल्ली ऑन हर डिफरेंस फ्रॉम देम, यानी कि वे मतलब घर में घुसते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, जिसका आंसर मतलब कि उन लोगों से बिल्कुल ही अलग होता है, यानी मतलब कि वे लोग कुछ और सोचते हैं, ठीक है, यानी उन लोगों से उल्टा आता है, यानी कि निगेटिव आंसर सोचते हैं कि वो मतलब कि जो आंसर देगी वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, अ डिफरेंस दे रिगार्ड एज अ प्रोफाउंड डिजेबिलिटी, क्यों समझते हैं, क्योंकि वो समझते हैं यार इसके पास तो मतलब क्या डिजेबिलिटी है, ये तो देख नहीं सकती, ठीक है, तो मतलब कि उसका आंसर जो मतलब कि देगी वो क्या नकारात्मक देगी, कहने मतलब कि हम लोग जो पूछेंगे वो उसका सही जवाब नहीं देगी, हर ब्लाइंडनेस उसका अंधापन, दे स्टैंड बिफोर हर एंड वन ऑफ देम आस्क, वे उन मतलब कि उसके सामने खड़े होते हैं और उनमें से एक जो है उससे मतलब कि कहता है, ओल्ड वुमन आई होल्ड माई हैंड अ बर्ड टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड, बुढ़ी औरत मेरे हाथ में एक चिड़िया है, ठीक है, मुझे बताओ कि क्या यह जीवित है या मर गई है, ठीक है, यानी कि जीवित है या मृत है, शी डज नॉट आंसर, वो आंसर नहीं देती है, जवाब नहीं देती है, एंड द क्वेश्चन इज रिपीटेड, और क्वेश्चन को फिर दोहराया जाता है, इज द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और डेड, क्या जो चिड़िया मेरे हाथ में है वो जीवित है या मरी हुई है,
स्टिल शी डज नॉट आंसर, फिर भी अभी वो आंसर नहीं देती है. शी इज ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी हर विजिटर्स, वो अंधी है और वो अपने आगंतुकों को यानी विजिटर्स को नहीं देख सकती है. लेट अलोन वाट इज इन देयर हैंड्स, तो वो मतलब फिर वो कैसे मतलब बताएगी कि उनके हाथों में क्या है, ठीक है, तो वो मतलब कि ये नहीं बता पाती है, ठीक है. शी डज नॉट नो देयर कलर, वो मतलब कि उनके कलर को नहीं जानती है. जेंडर, उनके जेंडर को नहीं जानती है, ठीक है, यानी कि वो किस लिंग के हैं, होमलैंड कहाँ से आए हैं, ठीक है. शी ओनली नोज देयर मोटिव, वो केवल उन लोगों की मोटिव यानी उद्देश्य को मतलब कि जानती है कि वो किस लिए आए हैं, यानी कि उसको चेक करने के लिए आए हुए हैं. द ओल्ड वुमन साइलेंस इज सो लॉन्ग, यानी ओल्ड वुमन की साइलेंस इतनी लंबी हो गई है. द यंग पीपल हैव ट्रबल होल्डिंग देयर लाफ्टर, कि जो यंग पीपल थे यानी कि जो लोग आए थे वे अपने हंसी को मतलब कि नहीं रोक पा रहे थे, ठीक है, वे हंसना मतलब कि शुरू कर देते हैं. फाइनली सी स्पीक्स, अंततः वो बोलती है. हर वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न, उसकी जो वॉइस थी बिल्कुल धीमी थी, ठीक है, लेकिन करी थी. आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ. शी सेज, वो कहती है, आई डोंट नो वेदर द बर्ड यू आर होल्डिंग इज डेड और अलाइव, यानी कि मैं नहीं जानती हूँ कि जो चिड़िया मतलब कि तुम मतलब लिए हो, ठीक है, तुम्हारे हाथ में है, वो मरी हुई है या फिर जीवित है. बट वाट आई डू नो इज दैट इट इज इन योर हैंड, लेकिन मैं जरूर जानती हूँ यानी कि मैं जानती हूँ जो, ठीक है, वह ये कि यह तुम्हारे मतलब क्या हाथों में है, ठीक है, इट इज इन योर हैंड्स, ये तुम्हारे हाथों में है. फॉर पैराडिंग देयर पावर्स एंड हर हेल्पलेसनेस द यंग विजिटर्स आर रिप्रीमेंडेड, यानी कि अपने पावर को दिखाने के लिए और उसकी मतलब लाचारी के लिए, ठीक है, यानी कि जो बेबस औरत तो बेबस थी, ठीक है, वो फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, ठीक है, वो केवल मतलब कि अनुभव कर सकती थी, ठीक है, समझ सकती थी, तो उस अपनी मतलब पावर दिखाने के लिए और फिर उसकी लाचारी के लिए, ठीक है, यानी बेबसी के लिए द यंग विजिटर्स आर रिप्रीमेंडेड, जो यंग विजिटर्स हैं, ठीक है, उनकी मतलब क्या मतलब कि उनको डांट फटकार मिलती है, ठीक है, उनको रिप्रीमेंड की जाती है, ठीक है. होल्ड टोल्ड दे आर रिस्पॉन्सिबल नॉट ओनली फॉर द एक्ट ऑफ मॉकरी, तो वे केवल मतलब कि अपने मतलब कि क्या कहते हैं कि वे केवल मतलब कि उपहास कहते हैं, मौके मतलब उपहास होता है, उपहास के मतलब कि कार्य के लिए जिम्मेवार नहीं है, बल्कि बट ऑल्सो फॉर द स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ सेफिक्साइड टू इट्स अचीव इट्स एम, ठीक है, बल्कि वे अपने एम को मतलब कि अचीव करने के लिए मतलब कि जो ये गलत काम करे, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग ये जाएगा कि वे मतलब अपने वो कहने का मतलब कि ये बात है, वे मतलब कि अपनी एम को अचीव करने के लिए वे इस तरीके के मतलब कदम उठाए हैं. द ब्लाइंड वुमन शिफ्ट अटेंशन अवे फ्रॉम द एसर्शन ऑफ पावर, यानी कि जो बूढ़ी औरत है वो अपनी अटेंशन जो है वो मतलब कि वो दूर हटाती है वो अपने पावर से, यानी जिस पावर से वो मतलब कि देखती है कि यानी कि समझती है कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है, कैसे है, ठीक है, उसको समझने की जो यानी कि अंधी थी वो तो समझती नहीं, तो अपने अंदर की जो दृष्टि है अंतर्दृष्टि से कहते हैं उससे वो समझती थी, जो उसके पास शक्ति थी उससे वो मतलब कि दूर हटती है, ठीक है, अपने ध्यान को उससे अलग करती है. टू द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द पावर एक्सरसाइज, यानी किसके तरफ, तो उस औजार की तरफ, उस इंस्ट्रूमेंट की तरफ जिससे मतलब पावर को मतलब कि चलाया जाता है, ठीक है, यानी कि पावर एक्सरसाइज होता है. स्पेकुलेशन ऑन व्हाट दैट बर्ड इज बर्ड इन द हैंड माइट सिग्निफाई हैज ऑलवेज बीन अट्रैक्टिव टू मी बट स्पेशली सो नाउ, ये समझ में नहीं आ रहा. आई हैव बीन अबाउट वर्क आई डू दैट has brought me to this company, so I choose to read the bird as a language and the woman as a practice writer. इस पूरे का मतलब कि लेसन होगा, मीनिंग होगा, ठीक है, जो हम लोग जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है.
चीज जो जिस राइटर बताती है जिस तरीके से मतलब कि वो स्पेकुलेट करती है यानी कि गेस करती है, अनुमान लगाती है कि उसके हाथ में चिड़िया जो है वो मतलब कि कैसी है, उसको मतलब क्या बताता है, ठीक है, तो चिड़िया मतलब कैसी है, इस चिड़िया मतलब कि जो उसके हाथ में है, ठीक है, वो मतलब कि मरी है या फिर जीवित है, ठीक है, तो इससे वो उसे वो ये चूज करती है, ठीक है, यानी कि वो मतलब कि लैंग्वेज को बताती है कि ये बर्ड है, ठीक है, और औरत को मतलब कि वो बताती है कि ये प्रैक्टिस राइटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, इसको देख लेते हैं हम लोग। हाउ वाज द ओल्ड वुमन, यानी कि बुढ़ी औरत कैसी थी, तो इसका आंसर हम लोग ऊपर से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो द ओल्ड वुमन वाज ब्लाइंड बट वाइज, यहाँ से आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड वुमन वाज ब्लाइंड बट वाइज। इज दिस फोकलोर प्रेजेंट इन वन कल्चर और मेनी, क्या ये जो फोकलोर है ये बहुत सारे मतलब कि कहा मतलब कि कल्चर में है या फिर एक ही कल्चर में प्रेजेंट है, नहीं, तो यहाँ से ऊपर से हम लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ से आंसर इसका आ जाएगा कि ये देखो यहाँ से आई हैव हर्ड दिस स्टोरी और वन एग्जैक्टली लाइक इट इन द लॉर ऑफ सेवरल कल्चर, तो ये जो कहानी है, ठीक है, केवल एक ही कल्चर में नहीं है बल्कि बहुत सारे कल्चर में है, ठीक है, और बहुत बहुत तरीके से मतलब इसको समझाया गया है, कभी औरत को लेकर के, कभी आदमी को लेकर के, कभी गुरु को लेकर के, तो इसका आंसर होगा नो दिस फोकलर इज नॉट प्रेजेंट इन वन कल्चर बट सेवरल कल्चर्स। हु इज द फादर ऑफ दैट ओल्ड वुमन, यानी कि उस बुढ़ी औरत का पिता कौन है, तो यहाँ पे अमेरिकन रहते ना, यहाँ पे स्लेव था वो, हाँ यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक अमेरिकन स्लेव, तो यहाँ पे लिख दो, आंसर हो जाएगा इसका द फादर ऑफ दैट ओल्ड वुमन इज एन अमेरिकन, अ ब्लैक अमेरिकन स्लेव, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। वेयर डज द ओल्ड वुमन लिव, यानी कि जो ओल्ड वुमन थी वो कहाँ रहती है, तो वो रहती है शहर से बाहर और छोटे से घर में, हम लोग ऊपर पड़े हुए थे यहाँ पे है, तो लिखो यहाँ पे द ओल्ड वुमन लिव्स अलोन इन अ स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, ये आंसर हो जाएगा। पांचवा है वेयर इज हर रेपुटेशन फॉर विजडम, हाउ हर इज रेपुटेशन फॉर विजडम, यानी कि उसकी जो रेपुटेशन है विजडम के लिए वह कैसी है, तो यहाँ पे उसका आंसर है हर रेपुटेशन फॉर विजडम इज विदाउट पीयर एंड विदाउट क्वेश्चन, यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं आप। वाट इज हर पोजिशन इन द नेबरहुड, यानी कि नेबरहुड में उसकी क्या पोजिशन है, तो इसका आंसर आप लोग यहां से लिख सकते हैं, यहां पे आएगा इसका, लिखो यहां पे हो जाएगा हर शी इज हेल्ड रिच बियॉन्ड हर नेबरहुड, तो वहां से यही लिख सकते हैं आप लोग हर पोजीशन इन द नेबरहुड इज बियॉन्ड द बियॉन्ड हर इसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि द पोजिशन ऑफ द ओल्ड वुमन इन द नेबरहुड इज ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर, ऐसे लिख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद है वाई डिड सम यंग पीपल विजिट हर, यानी कि कुछ यंग लोग जो हैं वो मतलब कि उससे क्यों मिलने के लिए जाते हैं, ठीक है, गए, तो यहाँ पे उसका आंसर आता है नीचे, यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग वन डे द वुमन इज विजिटेड बाय सम यंग पीपल हु सीम बेंट ऑन डिसअप्रूविंग हर क्लियरेंस एंड शोइंग हर अप फॉर द फ्रॉड दे बिलीव शी इज, तो इसका आंसर आप लोग लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा सम यंग पीपल विजिटेड हर टू डिसअप्रूव हर क्लेरोएंस, ठीक है, एंड टू शो हर
फ्रॉड, ये लिख सकते हैं आप। उसके बाद है यहाँ पे व्हाट डज द ओल्ड वुमन नो अबाउट दोज पीपल, यानी कि उस वो जो ओल्ड वुमन थी उन लोगों के बारे में क्या जानती थी। तो यहां से ये आंसर रहेगा इसका आंसर आप लोग यहां पे दे सकते हैं, शी डज नॉट नो देयर कलर जेंडर और होमलैंड, शी ओनली नोज देयर मोटिव, ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे है फॉर व्हाट आर द यंग विजिटर्स रिप्रीमेंडेड, यानी कि यंग जो विजिटर्स है वो मतलब कि उनकी रिप्रीमेंड क्यों की जाती है, किसके लिए मतलब कि उनकी रिप्रीमेंड होती है। तो यहां से आप लिख सकते हैं ये यहाँ पे फॉर पैराडिंग देयर पावर एंड हर हेल्पलेसनेस द यंग विजिटर्स आर रिप्रीमेंडेड, ठीक है ये आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट डज बर्ड एंड वुमन सिग्निफाई टू द स्पीकर, यानी कि जो बर्ड है और वुमन है वो मतलब स्पीकर को क्या सिग्निफाई करती है। तो यहां से इसका आंसर है ठीक है, बर्ड एज लैंग्वेज एंड द वुमन एज प्रैक्टिस राइटर, ठीक है सिग्निफाई टू द स्पीकर, ये आप लिख सकते हैं ठीक है।